राज्य में दोपहिया वाहन चोरी की संख्या में इजाफा हुआ है और मुंबई के बाद सबसे ज्यादा दोपहिया चोरी के मामले नागपुर शहर से सामने आए हैं, जबकि तीसरे स्थान पर पुणे शहर है। औसतन 34% चोरी की बाइक ही बरामद हुई है। बताया गया है कि नागपुर से 5 साल में 7,800 दोपहिया वाहन चोरी हुई है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के प्रमुख शहरों में दोपहिया चोरी करने वाले गिरोह सक्रिय हो गए हैं। शहर के एक बाइक चोरी हो जाने के बाद देहात में बाइक को काफी कम कीमत पर बेचा जाता है, इसलिए दोपहिया वाहनों की चोरी का जल्द पता नहीं चलता। दोपहिया वाहन को एक बिचौलिए के माध्यम से बेचा जाता है। विक्रेताओं को बताता है कि दोपहिया वाहन के दस्तावेज खो गए हैं। दोपहिया वाहनों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक नहीं ले जाया जाता है, इससे चोरी की बाइक बरामद होने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस दोपहिया वाहन के कागजात या बीमा की जाँच नहीं करती है, इसलिए दोपहिया वाहन चोर खुले में है। इसलिए दोपहिया चोरों का गिरोह जाल बिछाकर बड़े शहरों से वाहन चोरी करता है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ में वाहन चोरी करने के लिए गिरोह सक्रिय है। महाराष्ट्र पुलिस अब तक कई गिरोहों को गिरफ्तार कर उनकी बाइकें जब्त कर चुकी है, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद ये गिरोह फिर से चोरी करने को तैयार है। रात में बाइक चोरी करने के बाद इस गिरोह ने 12 घंटे के अंदर बाइक को राज्य से बाहर ले जाने की आदत डाल ली है। विदेश चली गई बाइक को बरामद करना लगभग असंभव ही हो जाता है। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।